हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज चलिए चीज़ी बॉम्ब बनाते हैं। तैयारी मैंने इधर कर ली है, आइए बने रहिएगा मेरी वीडियो पे, फुल वॉच कीजिएगा। इधर आलू बॉयल ले लिए हैं, ये मैंने ब्रेड के स्लाइस से साइड निकाल दिया है इसका। साइड निकालने के बाद उस साइड का हमने ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं, आपके पास पहले से रखे हो तो उसको यूज़ कर लीजिएगा। वैसे स्टोर करके रखने में भी इसमें फ़ायदा ही रहता है। इधर दो चीज़ के मैंने क्यूब ले लिए हैं और इधर एक चम्मच ले लिया है गेहूं का आटा। आप मैदा भी ले सकते हैं एक चम्मच, इसकी स्लरी बना लेंगे। इसमें एक चम्मच या दो चम्मच, जो भी कॉर्नफ्लावर आप मिलाना चाहें उस हिसाब से मिला लीजिएगा। मैंने दो चम्मच शायद मिलाया था, हाँ दो चम्मच मिलाया था, एक चम्मच बाद में मिलाऊंगी। पहले इसको पानी डाल के थोड़ा सा इसका घोल बना लेंगे, स्लरी बना लेंगे इसकी। अब स्लरी जो बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, रनी होनी चाहिए थोड़ी सी। ये देखिए, कढ़ाई में तेल डाल दिया मैंने, थोड़ा सा जीरा लगा दिया है। जीरा जैसे ही तड़केगा, हल्का हल्का भुनने लगेगा, वैसे हींग डाल देंगे। दोनों चीज़ें भुनने के बाद अच्छे से भून लेना है, कलर आ जाए जीरे में। डाल देंगे हरी मिर्च, हरी मिर्च डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, जो भी आप सब्जियां पसंद करें। ये हम आलू का मसाला, जो फिलिंग बनेगी हमारी, स्टफिंग बनेगी, जो आलू के बॉल बनेंगे वो, उसके लिए मसाला तैयार कर रहे हैं दोस्तों। इधर हमने मिक्स मसाला जो कचौड़ी का होता है, जैसे लाल मिर्च है सूखी, इधर भुना हुआ जीरा मैंने डाल दिया है आधा चम्मच। लाल मिर्च इसका, अगर आपको रेसिपी चाहिए है कचौड़ी के मसाले की तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं इसकी अलग से एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी, वो आप लोग देख लीजिएगा। सिंपल है, लेकिन कुछ मसाले ऐसे पड़ते हैं इसमें जिससे सब्जी का टेस्ट और बढ़ जाता है। सो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग को चाहिए तो। इधर मैंने थोड़ा सा डाल दिया बटर, ताकि हमारी आलू की जो फिलिंग होगी उसमें टेस्ट अच्छा है। थोड़े से आलू डाल दिए, आलू हमने फ्रिज में रखे थे तो मैंने कद्दूकस नहीं किया था, मतलब ग्रेट नहीं किया था ग्रेटर से। आप भी ग्रेट कर लीजिएगा, ज़्यादा ठीक रहेगा। मैंने हाथ से ही मसल दिया था, फोड़ दिए थे इनको, तो थोड़ा सा इसको टाइम, ये टाइम ले लिया था इसने। अगर कद्दूकस आपने कर देंगे ना, आप जैसे ग्रेटर से ग्रेट कर देंगे उसको, तो आपको आसानी होगी जल्दी मिलाने में, मसाले भी जल्दी उसमें मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, आलू मैंने फ्रिज में रख दिए थे तो उसमें तो समय लगेगा दोस्तों, तो इसलिए धीरे धीरे इसको मिला लेंगे। इसी तरह से मिलाने के बाद इसको ठंडा करके तब यूज़ करना है, गरम बॉल्स नहीं बनानी है। इधर उतार लेंगे, देखिए हमारी जो आलू की पिट्ठी थी वो तैयार हो गई है अच्छे से। फिलिंग बनाएंगे हम उसकी, स्टफिंग। इधर हम उसके लिए एक चटनी बनाते हैं सिंपल सी, जिस तरह से हम लोग मेयोनीज खाते हैं उस तरीके को मैंने सोचा है किस तरह से बनाना है इसको। देखिए, मेरे अगर मेरी मेरा ये तरीका आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, मैंने कुछ काजू के टुकड़े ले लिए थे, पीसेस ले लिए थे 8 से 7। कुछ काजू लेने के बाद उनको भिगो दिया था 20 मिनट के लिए पानी में, सोख कर दिया था। और काजू ले लिया है एक चम्मच, मैंने 2 चम्मच डाला है पनीर जो मेरे पास ग्रेट करा हुआ रखा था, और एक मैंने चीज़ स्लाइस डाली है कट करके। थोड़ा डाल देंगे दूध इसमें, तो इसको देखिए पीस लेंगे, क्रीमी क्रीमी मेयोनीज की तरह बन गई है। ये डिपिंग हमारी रहेगी जो चीज़ बॉल्स बना रहे हैं उसके ऊपर, हम उसे डिप करके या उसके ऊपर डाल के जैसे भी खाना पसंद करें। ये देखिए आलू हमने ले लिए हैं थोड़े से, क्योंकि बॉल बनानी है, थोड़ा थोड़ा ले लेंगे आलू। और उसके अंदर हमने एक चीज़ का टुकड़ा डाल दिया है, एक चीज़ क्यूब ले लिया था मैंने, उसके 4 पीसेस कर लिए थे, उसके एक पीस को हमने इसमें डाला है 1/4 मतलब साइज को। आप छोटा भी कर सकते हैं, इससे भी छोटा कर सकते हैं,
ये ब्रेड ले लिया था, ब्रेड का स्लाइस हल्के से दबा दिया था। पानी लगाना चाहे पानी लगा सकते हैं, ना लगाना चाहे ना लगाइए। ऐसे आलू वैसे भी मॉइस्चर होता तो वो ऊपर से चिपक जाता है। ये देखिए अच्छे से फिल हो गया, अच्छे से आलू हमारा ढक गया उसमें। इस तरह से कवर कर लेना है, सारी बॉल्स ऐसे ही बना लेंगे धीरे धीरे करके। बहुत सिंपल है दोस्तों। आप अगर ब्रेड का साइड का कोना ना निकालना चाहे, इसकी साइड जो होती है वो ना निकालना चाहे, उसमें भी आप बना सकते हैं। रोल नहीं बना सकते तो जैसे ये बॉल्स नहीं बना सकते तो आप रोल कर सकते हैं उसको, या पैटीज की तरह से इसको फोल्ड करके भी आप इस तरह से स्लरी में। बहुत तरीके हैं दोस्तों इसको बनाने के। ये ब्रेड क्रम्स मैंने इसके ऊपर कोट कर दिया अच्छे से। इसको हो सके कोट करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करा दें तो क्या है, जो ब्रेड क्रम्स हमारे मैंने लगाए हैं ना इसमें रोल के ऊपर, इसके देखिए बॉल्स के ऊपर, तो वो क्या है रेस्ट कर लेंगे ना, तो तेल में ब्रेड हमारे नहीं जाएंगे। मैंने तुरंत ही आपको दिखाया और रेस्ट नहीं किया तो देखिए तेल में अभी जाके तेल में झाग झाग जैसा हो जाता है, मतलब ये ब्रेड क्रम्स तेल में निकल के हल्के हल्के बाहर आ जाते हैं, तो तेल भी ख़राब हो जाता है इससे। इसलिए थोड़ा रेस्ट करा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हो सके तो 10-20 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख दें, फ्रीज कर दें इसको थोड़ी देर के लिए, उससे ज़्यादा बेटर है, उससे ये बहुत ज़्यादा अच्छे और क्रिस्पी बनते हैं रखने से। थोड़ा रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों इसको। ये देखिए मैंने दूसरी बॉल्स भी तैयार कर ली इस तरह से। हमारी 8 बॉल बन के तैयार हुई थी, मैंने इधर पहले आपको 4 दिखा दी थी उसके बाद बनाई है। इस तरह से जितनी भी आप लेंगे आलू, जितने लेना चाहें जैसे भी आप बनाएं उस हिसाब से आप बना सकते हैं, तरीका चेंज कर सकते हैं। मैंने बॉल्स बनाई, आप रोल बना सकते हैं। ये देखिए धीरे धीरे बना लेंगे, इसको रेस्ट करने रख देंगे थोड़ी देर। ये देखिए 2 बनाई है मैंने, अभी 2 और बना लेंगे। ये देखिए इधर हमने 4 बॉल्स तैयार कर ली है, अब इनको तेल में हम फ्राई कर लेंगे। आप डीप फ्राई करना चाहें डीप फ्राई कर सकते हैं, आप जैसे माइक्रोवेव में करना चाहें, OTG में सॉरी, आपके पास हो, बेक करना चाहें थोड़ा सा घी लगा के या बटर में डिप करके इसको कर सकते हैं। बहुत उससे भी बहुत क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे। ये देखिए इस तरह से इस स्टेज पे हमको निकाल लेना है, इतना हमें ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। इस तरह से मैरून हो जाए, हल्का सा गोल्डन ब्राउन आ जाए कलर। ये देखिए कितना अच्छा, बहुत क्रिस्पी बने थे दोस्तों। अगर हम इनको थोड़ी देर फ्रीजर में फ्रीज कर देंगे और रेस्ट कराएंगे तो बहुत अच्छे से ये फ्राई होते हैं, इनको समय चाहिए होता थोड़ा सा, लेकिन बच्चों को समय नहीं चाहिए होता, बच्चों को तुरंत चाहिए होता है। ये देखिए दोस्तों, प्लीज़ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड पूरी वॉच कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।